हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीलिया रोग के बारे में, जिसे जैंटिस भी कहते हैं। और पीलिया के बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि पीलिया क्या है, पीलिया होने के कारण क्या हैं और इसके इलाज क्या हैं, इसके उपचार क्या हैं, इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूँगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, पीलिया तब होता है जब शरीर में बिलिरुबिन की नामक पदार्थ बहुत अधिक हो जाता है, और बिलिरुबिन की अत्यधिक मात्रा होने से लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे लीवर के काम करने की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। बिलिरुबिन धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया होने पर त्वचा, नाखून और आँख का रंग पीला होने लगता है। लीवर की बीमारियों की तरह इसमें मितली आना, पेट दर्द, भूख न लगना, खाना हजम होना जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। शरीर का वजन घटने लगता है, पीला पेशाब होने लगता है, लगातार थकान महसूस होता है, भूख नहीं लगता है, पेट में दर्द बना रहता है और बुखार भी हो जाता है। दोस्तों, पीलिया नवजात शिशु से लेकर वृद्धावस्था तक किसी भी वर्ग के व्यक्ति को हो सकता है। नवजात शिशुओं को पीलिया खतरा अधिक रहता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पीलिया के घरेलू इलाज के बारे में, जिससे पीलिया को ठीक करने में काफ़ी मदद मिलती है। पीलिया का इलाज गन्ने के रस से भी किया जाता है। गन्ने का रस पीलिया में अत्यंत लाभकारी होता है। अगर दिन में 3 से 4 बार सिर्फ गन्ने का रस पिया जाए तो इससे बहुत ही लाभ होता है। अगर रोगी को सत्तू खाकर गन्ने का रस सेवन का किया जाए तो हफ्ता भर में ही पीलिया लगभग ठीक ही हो जाता है। हल्दी पीलिया रोग के उपचार के लिए बहुत ही अच्छी होती है। पीलिया होने पर आप 1 चम्मच हल्दी को आधे गिलास पानी से मिला लें। इसे रोजाना दिन में 3 बार पिएं। इससे शरीर मौजूद सभी विषाक्त पदार्थ मर जाएंगे। यह नुस्खा बिलिरुबिन को शरीर से बाहर करने में भी बहुत मदद करता है। पीलिया के इलाज के लिए बहुत ही आसान नुस्खा, जिससे शरीर के खून की सफाई भी हो जाती है। पीलिया रोग में दही का सेवन करने से भी बैक्टीरिया के संक्रमण की रोकथाम हो जाती है। दही पीलिया में बहुत अधिक लाभ पहुंचाता है। पीलिया रोग में नारियल पानी पीना फायदेमंद होता है, क्योंकि पीलिया नारियल पानी का सेवन लीवर को स्वस्थ रखता है और पाचन तंत्र को ठीक करता है। गिलोय का रस साथ में मिलाकर सुबह सुबह सेवन करने से पीलिया रोग दूर हो जाता है। दोस्तों, जिस मरीज को पीलिया रोग हो गया है उसे ताज़ा व शुद्ध भोजन ही करना चाहिए। खाना बनाने और खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लेना चाहिए। अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, फलों का रस पीना चाहिए और पीलिया हो जाने पर व्यक्ति को बहुत सारा परहेज करना पड़ता है, जैसे मिर्च मसालेदार तरल पदार्थ, मैदा आदि का प्रयोग न करें, शराब का सेवन न करें। दोस्तों, मेरी बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।